हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप ठीक होगे। बेटा, आज हम क्लास सेकंड की स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का, और एक्सरसाइज जो हमारी स्टार्ट होगी वो होगी 2.6 एक्सरसाइज। इससे पहले कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल वाला करना सीखेंगे, ठीक है। हेडिंग हमें दे रखी है, देखो, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, कोई भी सम दे रखा होता है उससे हमें पहले क्या दे रखा होता है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो दे रखा है, 4 × 6 दे रखा है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आंसर आया, 24 आया, ठीक है। 24 को हमें डिवाइड करना है, किसे, 4 से डिवाइड करना है। तो 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और फिर 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। देखो, डिवाइड हमने बस सेम किया है, बट डिजिट हमारी थोड़ी क्या हुई है, आगे पीछे हुई है। बस डिजिट जो हमारे हमें जो दे रखी है, सिर्फ हमने उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है। आंसर हमारा दोनों का क्या निकला है, सेम ही आंसर निकला है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा एक्सरसाइज 2.6 का, क्वेश्चन 1 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 हैज बीन डन फॉर यू, ठीक है। तो हमें ना फिल इन द ब्लैंक्स में मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, हमें फैक्ट्स जो दे रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स जो दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में भी दे रखे हैं और डिवीजन फैक्ट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो हम दोनों को करके देखेंगे कैसे करना है और कैसे हमारे आंसर आएंगे। हम पहले मल्टीप्लीकेशन वाला करते हैं, ठीक है। 3 × 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारा कितना आंसर आया, 12 आंसर आएगा। और 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। देखो, 4 हमारा ये रहा और इधर हमारा 4 ये रहा, ठीक है। 12 हमारा ये रहा, 12 हमारा इधर है, ठीक है। और डिवाइडेड जो हमारा 3 से था, 3 मल्टीप्लाई में ये रहा और डिवाइडेड में 3 हमारा ये रहा, ठीक है। इसको हम क्या करना सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स बोलते हैं इसको और डिवीजन फैक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमें कितने सम्स दे रखे, 8 सम्स दे रखे हैं। 8 सम्स में मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा है और डिवाइड भी दे रखा है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो दे रखा है, हमें दे रखा है 6 × 36। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 36 है। तो 6 × 6 कितना होता है, 6 × 6 = 36 होता है। ये हमारा आंसर आ गया 36। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमें डिवाइड करने के लिए दे रखा है, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर हमारा 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दे रखा है, 9 × 2 = 18। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर कितना आ जाए, 18 हमारा आंसर आ जाए। 2 × 9 = कितना होता है, 2 × 9 = 18। और 9 × 2 = कितना होता है, 18। देखो, 9 × 2 = भी 18 होता है और 9 × 2 = भी 18 होता है। दोनों का आंसर हमारा कितना आया बेटा, 18 आया, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे आंसर आएगा, 2 पे आंसर आएगा, ठीक है। तो बेटा, मैंने जितने भी सम आपको समझाए, आपको अच्छे से समझ में आ गए ना। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सम में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को क्या करोगे, व्हाट्सएप पे अपना नाम के साथ, क्लास के साथ मैसेज ड्रॉप करोगे और यहाँ से आपको बैक कॉल आ जाएगी उसी सम के लिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 बता दिया, 4 का और बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। वैसे तो मैंने फिल 7 तक कर रखा है, 8 क्वेश्चन आपको खुद ही फिल करना है, किसमें करना है, बुक में ही करना है, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताती हूँ, 7 × देखो बॉक्स खाली दे रखा है, = 49। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 49 आता है। 7 × 7 = 49, कितना आंसर आया, 7 × 7 = 49, ठीक है। और 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा 7 आएगा। दोनों में बेटा हमारा सेम आंसर आ चाहिए, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में भी और डिवीजन वाले फैक्ट्स में भी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.6 एक्सरसाइज थी, और क्वेश्चन मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। सारे सम ऐसे ही हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, ओके स्टूडेंट।